छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 22 बरस इस लंबे अंतराल के बावजूद भी प्रदेश में बच्चों के लिए यदि शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है तो इसे महज विडंबना कहना और भी दुर्भाग्यजनक कहलाएगा। एक तरफ प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शासन सरकारी हिंदी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बदल रही है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य का एक हिस्सा है जहां ना तो बिजली पहुंचती है और ना ही शिक्षा की अलग जगाने की दिशा में सरकार ने ध्यान दिया है। इनमें केवल वोट मांगे जाते हैं और कहा जाता है कि जीत आने के बाद आपकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा, लेकिन सही मायने में जीतने के बाद कोई इनकी तरफ पलटकर भी नहीं देखता। इनकी जिंदगी बस यूं ही कटती जा रही है। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने एक स्लोगन दिया है, सब पढ़े सब बढ़े, पर इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम के गृह जिले में ही एक ऐसा गांव भी है जहां इन 22 सालों में शिक्षा की अलख तक नहीं जग पाई है। यहां हम बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले के वाड्राफ नगर विकास खंड के ग्राम पंचायत झापर की, जहाँ के कोरवापारा में निवासरत 150 लोग आज भी अशिक्षा के शिकार है, तो उनकी आने वाली पीढ़ी भी उसका हिस्सा बनने के लिए मजबूर है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि कोरवापारा निवासी ये सभी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, लेकिन इनकी जिंदगी अंधेरे में कट रही है। बात चाहे बिजली की हो या फिर शिक्षा की, दोनों ही मायनों में इनकी जिंदगी में सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं है। हमारे कोरवापारा में ना 40-42 बच्चे हैं, न स्कूल जा पाते हैं, बहुत दूर स्कूल है और लाइट बत्ती नहीं है और इसलिए अंधेरे में पढ़ नहीं पाते हैं। मांग करते हैं साहब, आते हैं अधिकारी लोग और नेता लोग आते हैं, बोलते हैं नहीं तुरंत हम करेंगे, वोट जीतते तक करेंगे, लेकिन आज तक उन लोग घूमने आते हैं ना, हम लोग को लाइट दिए ना, यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है। पड़ताल में ये बात सामने आई है कि कोरवा पारा से प्राथमिक शाला की दूरी 3 किलोमीटर है, जिसकी डगर जंगली रास्ते से होकर गुजरती है, तो माध्यमिक शिक्षा के लिए सफर 5 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ग्रामीण जनजाति परिवार अपने बच्चों को आखिर रोज कैसे स्कूल तक पहुंचाए, रोज आना और जाना, वो भी ऐसे डगर से जहां हर घड़ी जान जाने का खतरा साय की तरह साथ चलता है। लिहाजा पालक अपने बच्चों की जिंदगी की परवाह के चलते उन्हें शिक्षा से दूर रखना कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प मान लेते हैं। हमारे स्कूल नहीं है, हमारे स्कूलों है तो बहुत दूर में पढ़ा था, हमारे लड़कन मन नहीं पढ़ पा रहे थे, अब बहुत दूर है तो हम रनो नहीं भेजे बर करी लड़कन मन के, हमारे पारा में आंगनबाड़ियो नहीं है ना, तो बहुत दूर में स्कूल है तो बच्चे लोग नहीं जाते हैं, पढ़ने ही के भी नहीं जाते हैं, कहाँ जाएंगे, वहाँ उतना दूरी थोड़ी जाएंगे पढ़ने। सरपंच सचिव से सबसे बात करते हैं, बाकी वो लोग खाली वोट के चलते आते हैं हमारा गांव में कि हम लोग के भाई वोट दीजिएगा, हम लोग जीतेंगे तो तू लोग के आगे बढ़ाएंगे। हमारे 12 वार्ड में कोरवापारा बच्चों लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, दूर में स्कूल है, यहाँ से 6 किलोमीटर पड़ जाते हैं और बच्चा लोग बहुत 40-42 बच्चों हैं पढ़े हैं बिना स्कूल के। कोरवापारा में जरूर स्कूल सरकार दे, एग्री हो, और हमारा 12 वार्ड में कोरवापारा और बसोर पारा लाइट नहीं है। छत्तीसगढ़ ने इन 22 सालों में तरक्की के कितने ही सोपान तय कर लिए हैं। एक पिछड़ा राज्य कहलाने वाला छत्तीसगढ़ आज विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुका है, पर जब बलरामपुर जिले के इस कोरवापारा की जमीन पर पांव पड़ते हैं, यहाँ के लोगों की नजर जब उड़ती है तब हकीकत का एहसास होता है। उस पर शर्मसार करती है जिम्मेदारों की बातें, जो ये कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी, रिपोर्ट लेंगे, शासन को अवगत कराएंगे। नहीं, आपके द्वारा जैसे बताया जा रहा है, प्राथमिक माने ग्राम पंचायत झापर के कोरवा पारा में 30-40 बच्चे अध्ययन के योग्य हैं, लेकिन नजदीक में स्कूल नहीं होने के कारण स्कूल से शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इस संबंध में खैर मुझको जानकारी तो नहीं है, मैं विकास खंड शिक्षा अधिकारी से पूरा रिपोर्ट लेकर के पूरी जानकारी प्राप्त करके यदि ये स्थिति होगी तो निश्चित रूप से शासन को भेजकर वहां स्कूल खोलने के लिए पहल किया जाएगा।
कोरवा पहाड़ी देश की ऐसी संरक्षित जनजाति है जिनका संधारण, जिनका संरक्षण, जिनकी सुविधा का ख्याल रखना देश और प्रदेश दोनों ही सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी इसीलिए ही है क्योंकि ये जनजाति विलुप्तता की कगार पर पहुंच चुकी है। लेकिन शर्मनाक हकीकत ये है कि देश और प्रदेश रोज तरक्की की उड़ान भर रहा है, तो इधर कोरवा जनजाति के बच्चों को ना तो प्राथमिक शिक्षा मिल पा रही है, ना ही उनकी जिंदगी लालटेन से उबर पा रही है। ऐसे में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों के जीवन में रोशनी कैसे आ पाएगी, इस सवाल का जवाब मिल पाना मुश्किल है। TV24 न्यूज के लिए बलरामपुर से देवेश दुबे की रिपोर्ट।